कंफर्टेबल हो, हमेशा उस वे में रहो जिसमें आप कंफर्टेबल रहो। ऐसा नहीं है कि किसी ने कहा दिया तुम बकवास लग रहे हो या फिर लग रही हो और अपन ने हटा दिया, नो, बिल्कुल उस वे में रहो जिसमें आप कंफर्टेबल हो। जय माँ गांधी जी, आई एम बिग फैन ऑफ यू, थैंक यू सो मच, बट फैन नहीं फैमिली। आपको एनिमल्स पसंद नहीं है, बिल्ली पसंद है मेरे को, कैट जो कि रहती है घर में, अपने 3-4 बिल्लियां यूं ही घूमती रहती है। और बहुत से लोग मना करते हैं कि घर में बिल्लियों का रहना घूमना शुभ नहीं माना जाता है, लेकिन शुभ अशुभ कुछ भी नहीं होता है। हाँ ठीक है, घर में है आराम से, खाना वाना खाते रहते, हमारे पास में बैठी रहती है, बहुत अच्छे लग रहे थे आप, थैंक यू सो मच। हम आपसे मिलने आएंगे, शॉप कहाँ है आपकी? सर इसी आईडी पर एड्रेस दिया हुआ है। कशिश सिंह कैसे हैं आप? हमारी भी रहती है, रहनी चाहिए, लक्ष्मी का वास है वो। वैसे मेरे घर की लक्ष्मी तो मैं ही हूँ। आप बहुत अच्छे लग रहे हो दी, थैंक यू सो मच पूजा जी। आपको ये हेयर स्टाइल का आइडिया कैसे आया? हेयर स्टाइल का आइडिया कैसे आया, मतलब आइडिया नहीं, मैं सलून गई एक्चुअल में, मैंने धीरे धीरे अपने हेयर कट करवाए, धीरे 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 धीरे, और धीरे धीरे फिर इसी तरह का हेयर कट हो गया मेरा। रीना शेखावत नाम लो प्लीज। रीना शेखावत कैसे हैं आप व्लॉग क्यों नहीं बनाते हो? सर इतना टाइम ही नहीं मिल पाता है कि मैं अब व्लॉग भी बनाऊं, हमारे मतलब वीडियोस में ही जो ऑफिशियल वीडियोस निकलते हैं उसमें ही इतना टाइम लग जाता है, फिर शॉप और भी बाकी सारे बहुत सारे काम है, मतलब जिंदगी में बिल्कुल ऐसा मतलब रोटी खाने तक की फुर्सत नहीं मिलती। मैं सही बताऊं तो शॉप पे कस्टमर्स रहते हैं और हम खाना खाते रहते हैं साइड में बैठ के, ऐसा कुछ सीन चलता है कई बार तो, मतलब बहुत, और बहुत सारे काम एक साथ, तो सारे कामों को एक साथ टाइम नहीं दिया जा सकता है ना, थोड़े थोड़े टाइम में थोड़े थोड़े, इवन बहुत सारी वीडियो कॉल्स अभी मेरी पेंडिंग है, काफ़ी सारे फैमिली कस्टमर्स से मुझे वीडियो कॉल करना था वो भी काफ़ी पेंडिंग है, मतलब डेली के मैसेजेस होते हैं उनके कि हमसे वीडियो कॉल नहीं हुआ, हमसे नहीं हुआ। मैं डेफिनेटली मैं सभी से करूँगी, इवन कर भी रही हूँ धीरे धीरे, एक दिन में शायद 3-3, 4-4 मेरी वीडियो कॉल्स हो रहे हैं, और इसमें भी मैं बिल्कुल मुझे पता है टाइम नहीं दे पाती हूँ, मुश्किल से 5 या 6 मिनट का वीडियो कॉल होता है उन सभी से, लेकिन होगा डेफिनेटली सभी से। जय श्री गणी रतन जी, जय श्री गणी रिसा। मुक्कू नायक नेम लो एक बार प्लीज जी। मुक्कू नायक जी कैसे हैं आप? अदल की आवाज कब बना रहे हो रतन जी? अभी मैंने इतनी सारी रामायण बोली है कि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, और आप बोल रहे हैं मतलब घर पे जाने के बाद में मेरा जो पूरा टाइम होता है वो पापा के साथ में होता है, देन सोने वाले टाइम भी थोड़ा सा फोन मचका लेते हैं, और फिर बस मतलब बिस्तरों में जाते फिर नींद आती है बिल्कुल। ओ बल्कि छोटी हो रही, आपने अपनी लाइफ में कितना स्ट्रगल किया है? हुक्म स्ट्रगल जी बिल्कुल, जहां मैं पहुंचती हूँ वहां से पीछे मुड़कर जरूर देखती हूँ कि मतलब क्या था और क्या है, वो पीछे देखती रहूंगी ना तो मुझे फील होता रहेगा कि हाँ कभी अपनी, एक्चुअली इंसान को कभी अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए, और ये बहुत रियल थिंग है कि कभी भी वो चीज़ नहीं भूलनी, मुझे पता है कि बहुत चीप वर्ड है ये, कभी यूज़ में नहीं लेना चाहिए, बट हाँ इंसान को कभी अपनी लाइक भूलना नहीं चाहिए, अगर वो इंसान वो चीज़ भूल गया ना तो उसको बर्बाद होने में एक सेकंड नहीं लगेगा वो, बिल्कुल। तेरा हिटेड सॉन्ग पे डांस सुपर, और जो जो कॉलेज में कॉलेज में किया था वो भी मस्त था, थैंक यू सो मच, मतलब कॉलेज वाला भी याद है। रतन जी आपको मेरे मैसेज नहीं दिखता है? नहीं मेरे को आपका मैसेज दिख रहा है, शोभा 6733, यस यू आर राइट, सच है, थैंक यू सो मच। घूमर रिटर्न सॉन्ग बनाओ राजपूती कल्चर में दी, और देखना सब रिकॉर्ड बनेगा व्यू। घूमर रिटर्न, घूमर रिटर्न दी, आपकी हाइट कितनी है? 5'6" आपने मेरा नाम लिया, मुझे अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। मुमल कैसी है? मुमल ठीक है। अब आप मुझे इग्नोर कर रहे हो दी? ना जी बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल इग्नोर नहीं कर रही हूँ। आप लाइव में किसी को ऐड क्यों नहीं करते? अरे मुझे शर्म आती है, मुझसे बात ही नहीं होती है, फिर मुझे लाइव बंद करना पड़ेगा। हुकम आप कंठ पे तिलक करते हो, इसका क्या रीजन है?
सबका एक अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है, ठीक है. मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बताती हूँ. लाइक मेरे मस्तिष्क पे तिलक होता है. इसका मतलब ये कि लाइक पॉजिटिव एनर्जी मेरे आसपास रहती है. अगर मैं कभी नेगेटिव सोचने की कोशिश भी करती हूँ तो भी नहीं सोच पाती हूँ कि हाँ मैंने कभी किसी का नेगेटिव सोचा, तो वो चीज़ें मेरे ऊपर ही भारी पड़ जाती है. लाइक एक पॉजिटिव एनर्जी मेरे आसपास रहती है, मुझे बहुत पॉजिटिव फील होता है. अगर कुछ गलत भी हो रहा होता है मेरे साथ या मेरे किसी आसपास के इंसान के साथ में, तो भी ऐसा फील नहीं होता है कि हाँ गलत हो रहा है. ऐसा लगता है कि हाँ बी पॉजिटिव रतन, सब कुछ ठीक हो जाएगा. फर्स्ट थिंग यहाँ तिलक लगाने का. सेकंड, जब मैं अपने गले पे तिलक लगाती हूँ, जब मैं किसी को कुछ गलत कहना चाहती हूँ या कुछ गलत बोलना चाहती हूँ, मेरे मुंह से अगर कुछ गलत निकलने वाला भी होता है तो वो नहीं निकल पाता है कि नहीं मुझे गलत नहीं बोलना है. मतलब एक सबके एक अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं कि हाँ इस चीज़ से ये होता है, इस चीज़ मैंने एक अपने अपने माइंड में ये सब कुछ सेट कर रखा है कि हाँ ये चीज़ होती है इससे, दैट्स व्हाई मुझे लगाना है, और कुछ नहीं. नेक्स्ट, फाल्गुनी पाठक. सर मैं फर्स्ट एंड लास्ट रतन चौहान हूँ, मुझे कोई मतलब कुछ नहीं बनना है. नाम होगा तो रतन चौहान होगा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं. ना मैं कोई नेक्स्ट हूँ, ना मैं कोई लास्ट हूँ. इस दुनिया में पहली और आखिरी मई हूँ. राइट, आप बॉयज लुक में बहुत स्मार्ट लगती हो दी. थैंक यू सो मच. मैं आपका हर वीडियो लाइक करती हूँ. इवन मैं भी अब आप सभी का हर वीडियो लाइक करती हूँ. आपका लाइव चलता है तो मन करता है आप सिर्फ बोलते रहो और हम सुनते रहे. एक्चुअली यही होता है, मैं बोलती रहती हूँ, आप सब सुनते रहते हैं. आपकी बातें बहुत अच्छी लगती है मुझे. थैंक यू सो मच. तिलक से आपकी पहचान कराती हूँ दी, मैं कोई पूछता है तो. तिलक से? हाँ हाँ बिल्कुल. मैं जब इवन कहीं बाहर भी आती जाती हूँ तो तिलक से पता नहीं लोग मुझे पहचानते हैं क्या. इवन तिलक तो काफ़ी लोग लगाते हैं, बट मैं हेलमेट वगैरह लगा के रखती हूँ, मास्क लगा हुआ रहता है, लेकिन फिर भी तिलक की वजह से काफ़ी लोग, और स्पेशली मेरी आंखों की वजह से. बहुत बार ऐसा हुआ कि मुझे रस्ते में रोक के पूछा है आप रतन चौहान है, सिर्फ आंखों की वजह से ऐसा हुआ है और तिलक की वजह से. अब महाराष्ट्र आओगे कभी? बिल्कुल, जब भी मौका मिलेगा तब जरूर आएंगे. और आई थिंक आज का लाइव बहुत लंबा हो चुका है, बहुत सारी बातें कर चुके हैं आप सभी से, और मैं सिर्फ थैंक्स कह सकती हूँ अपनी तरफ से आप सभी को. एक दिल से बहुत बड़ा धन्यवाद कह सकती हूँ आप सभी को कि इतने प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. अदरवाइज कौन होता आज के टाइम में, किसका कोई नहीं होता है. बट इतना दूर होकर इतना अपनापन जताना और इतने करीब होने का एहसास दिलाना, ये एक बहुत बड़ी बात है. और बहुत से ऐसे मेरी फैमिली मेम्बर्स हैं आप में से ही जो बहुत मुझसे बहुत करीब तक जुड़ चुके हैं, और लाइक मुझे तो उनका नाम भी याद है, काफ़ी बार मैं लाइव में उन लोगों का नाम भी ले चुकी हूँ. तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का. इसी तरह मेरे साथ बने रहिए, अपना साथ रखिए, अपना सपोर्ट रखिए. और वही बात आखिरी में, अगर मेरे इस लाइव में किसी भी बात का या किसी भी चीज़ का या किसी भी वर्ड का कुछ भी बुरा लगा हो तो मैं दिल से सॉरी कहती हूँ आप सभी को. मुझे पता है मैंने आज एक वर्ड यूज़ में लिया, वो काफ़ी बुरा था, मुझे यूज़ में नहीं लेना चाहिए. बट ये चीज़ इंसान को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अगर आगे बढ़ रहे हो तो पीछे मुड़ के जरूर देखो, क्योंकि वो चीज़ हमें फील करवाती है कि हम कहाँ जा रहे हैं और किस स्टेज से अपन गुजरे हैं. और स्ट्रगल हमेशा इंसान का चलता रहता है, चाहे वो कोई भी हो जाए, हमेशा हर एक स्टेज पे इंसान का स्ट्रगल होता है और वो करते रहना चाहिए, उनसे कभी हारना नहीं चाहिए. और आज की बातें, काफ़ी मेरा भाषण हो गया, काफ़ी मैंने लेक्चर दे दिया, तो फिर कभी अपन बात करेंगे.